हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम देखने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड बाय का जो फॉर्म आया हुआ है उसको आप कैसे भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट जो है आप कैसे कर सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम है यानी कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है 10th 12th और डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं, यानी सॉरी 12th और डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं वो भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट आपको दिखाई दे रही है और चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और यहाँ पर पहले बता दूँ मैं आपको, जो वीडियो जो सेंट्रल एयरफोर्स जो है एयरमैन जो है उसका जो लिंक है इस वेबसाइट का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे यानी कि इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात आप सोचेंगे कि मैंने पहले अगर आपने फॉर्म भरा है तो मैं यहाँ से लॉग इन आई डी जो है आपके पास उससे यूज़ कर लूँ। नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू यूज़र पर ही जाना पड़ेगा, न्यू यूज़र और रजिस्ट्रेशन पर ही जाना पड़ेगा, जिससे क्या पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, देन आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो साइन अप का यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर कैंडिडेट नेम है आपका, आपके पेरेंट्स का नेम, जो भी आपके मदर का नेम डालना है मदर का नेम डालिएगा, फादर का नेम डालना है फादर का नेम, ईमेल आईडी जो कि वर्किंग में है और अभी आपका अगर आप ईमेल अगर इसमें डालते हैं तो आपके पास जो है उसका पासवर्ड आएगा, वो आपके पास अभी तुरंत आना चाहिए जो यूजेज में हो। ठीक है, नेशनलिटी जो कि आपकी यहाँ पर नेपाल और इंडियन दी होगी, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर और यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन किस लिए सिलेक्ट करना है कि आप अगर आपका लॉगिन आईडी या फिर जो है पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपने एक्चुअल में क्वेश्चन क्या सेलेक्ट किया था, तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने नेम और जो है फादर का नेम, अपनी ईमेल आईडी, नेशनलिटी, जेंडर वगैरह यहाँ पर कर दिया है। जैसे कि आप उसके बाद मोबाइल नंबर तो आप डाल दीजिएगा बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पर आपके पास देखिए क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाट इज़ योर बर्थ डेट, हाई स्कूल नेम, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड नेम, मदर्स मिडिल नेम, ठीक है, या फेवरेट यहाँ पर कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ आप फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको भरना है। उसका कैप्चा कोड है वो जो दिया है उसको आपको भरना है और साइनअप आपको करना है। ठीक है, जैसे आप साइनअप करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक पासवर्ड आएगा, तो ईमेल आईडी पर पासवर्ड आएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, उस ईमेल आईडी का पासवर्ड डालिएगा और यहाँ पर जो है कैप्चा कोड डालिएगा, जिसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने का इसको अब आपको क्या करना है, रीसेट करना है। क्या देखिए, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आया होगा आपकी ईमेल आईडी पर, उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड डालना है, उसके बाद यह है कन्फर्म करना है, कन्फर्म करने का सबमिट कर देना है, जैसे कि आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पासवर्ड सेव हो जाएगा आप सेव कर लीजिएगा और उसको ध्यान से रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से लॉगिन करना है अपने न्यू पासवर्ड से और अपनी ईमेल आईडी से। ठीक है, जैसे आप करेंगे उसके बाद आपके पास इंस्ट्रक्शन पहला 0 पॉइंट है, फिर उसका फिल एप्लीकेशन, सेलेक्ट सिटी, मेक पेमेंट और प्रीव्यू प्रिंट एप्लीकेशन, ये चार जो स्टेप सॉरी 5 स्टेप हैं। तो 0 पे आप क्लिक करेंगे, 0 पे क्लिक करेंगे इंस्ट्रक्शन आएंगे, इंस्ट्रक्शन को आपको आराम से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फ्रेंड नीचे जो है आपको एक इसके नीचे एक टिक मार्क लगाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट करना होगा आपको। ठीक है, एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका आगे जो है इसका बढ़ेगा। जब आगे बढ़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन में जो है ग्रीन मिल जाएगा कि आपने इंस्ट्रक्शन पढ़े, और जो टिक मिला था यहाँ पर एक टिक ऐसा मिलता है उसको राइट का निशान लगाना है तो वो टिक हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर जाइएगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका खुलेगा। देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, एडिशनल कम्युनिकेशन और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ये सारी यहाँ पर जो है आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेंगे। तो कि यहाँ पर आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, मेल आप, तो आप देखिए 10th ये है पेरेंट्स का नेम आएगा, 10th की मार्कशीट में पेरेंट्स का नेम क्या था। ठीक है, अपलोड करनी होगी आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी ईमेल आईडी, आपकी नेशनलिटी, आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। ओके, यहाँ पर आगे चलेंगे तो ये देखिए मैंने 10th की मार्कशीट जो है सिलेक्ट करी, यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन पर आएंगे तो क्वालिफिकेशन पर देखिए ये क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10th+12th इंटरमीडिएट, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर ग्रुप बाय। ठीक है, और अगर आपने 10+2 के बाद अगर 3 ईयर का डिप्लोमा भी किया है तो या इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पर भी आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी डिग्री आपको जो है सबमिट करनी पड़ेगी। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आगे चलेंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे या फिर नीचे चलेंगे, अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं या नीचे आते हैं तो यहाँ पर जैसे क्या करते हैं, ये इसको टिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है भाई पढ़ लीजिए, हैव यू बीन डिक्लेयर एज पास इन 10+2 इंटरमीडिएट एंड इक्वलेंट 50% एग्रीगेट परसेंटेज बाय द
कंसर्न एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, तो यस कर दीजिए इसे, नहीं है तो नहीं कर दीजिए, नो कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे जाएंगे, यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर ग्रुप अप्लाइंग, ग्रुप अप्लाइंग का मतलब होता है कि आप किस ग्रुप में, यानी कि ग्रुप एक्स में, ग्रुप वाई में, या ग्रुप एक्स एंड वाई दोनों में जो है फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा कैटेगरी के, सिलेक्ट करिएगा, और फिर सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, आपका जो एजुकेशन बोर्ड था वो कौन सा बोर्ड था आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए, पहले तो ये ग्रुप हमने सिलेक्ट कर लिया, एजुकेशन बोर्ड जो भी है, एमपी है, बिहार है, सेंट्रल बोर्ड है, सीबीएसई है, जो भी है आपको वहाँ पर भरना है। फिर जो भी बोर्ड आपने भरा है उसमें देखिए आपको एग्रीगेट जो है ग्रॉस परसेंटेज रखना है, मिनिमम आपको 50% मैंडेटरी है, 50% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए भरेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड स्कैन कॉपी होना चाहिए, 10+2 की जो स्कैन कॉपी यहाँ पर करनी है, और यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद एंटर परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, इंग्लिश की जो परसेंटेज है वो डालनी है, फिर उसके बाद इंग्लिश के बाद मैथमेटिक्स की परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, ठीक है। ओके, ये जो है मार्कशीट आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये फिजिक्स की यहाँ पर डालनी है, इंग्लिश की, देखिए यहाँ पर परसेंटेज हो गई इंग्लिश की, यहाँ पर मैथ की, यहाँ पर फिजिक्स की, ये परसेंटेज आपको डालनी है अपने आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 10+2 में। फिर उसके बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, यानी कि आपके पास कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट था, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था, अगर मेरे पास मैथ है, मैंने मैथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया बायो, तो अगर मैं है तो यस करिएगा, वहाँ पर भी आपको जो है मार्कशीट जो है सबमिट करनी होगी, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करिए, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आने के बाद सीधा आप जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहुंच जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या पूछा है, आर यू अ सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ नेशनल कैडेट ऑफ कैडेट कॉप्स एनसीसी, अगर एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अगर होगा तो वो सभी सर्टिफिकेट का आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर आगे चलेंगे, देखिए सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर उसका देखिए, आर यू हैव सन ऑफ, अगर आपके पिता, आप जो हैं आपके पिता जो हैं किसी भी जो एयर फोर्स में है या ऑफिस में थे, किसी भी उसमें थे, यस करना, उनकी भी आपको डिटेल भरने के, नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। अगर आपके जो है फादर जो हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में है, जैसे कि आप जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड गवर्नमेंट स्टेट में आपको कर हैं, आप कर काम कर चुके हैं, तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर आपको देखिए, आर यू सर्टिफाइड, ओके यहाँ पर दोबारा से वो आ गया, ठीक है, इसको यहाँ पर नीचे करेंगे, नो करेंगे इसको, जैसे कि आप स्टेट यहाँ पर देखिए ये है, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी से डिस्चार्ज हैं, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से हैं, तो यहाँ पर करिएगा नो, नहीं है तो नो करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको फिजिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाएगी, फिजिकल चीज़ें पूछी जाएगी, यहाँ की कैंडिडेट देखिए, एंटर एनी वन का आपको देखिए एक ऐसा मोल बताना पड़ेगा, ऐसा निशान बताना पड़ेगा जो आपके शरीर पर हो, जैसे कि फेस, मोल ऑन फेस अगर यहाँ पर लिखते हैं तो आपके चेहरे पर मार्क्स जो है आपको बताना, ठीक है। आपको कैंडिडेट की हाइट बतानी है कि आपका जो हाइट कितनी है, आपकी चेस्ट की हाइट क्या है, साइज क्या है, सॉरी हाइट ही साइज क्या है, आपका वेट कितना है इंचेस में बताना है, और शू का साइज क्या है इंडियन रेंज में आपको बताना है, 7, 8, 9 कितना है, जितना भी आपका आता है शूज वो बताना है, ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल कर दिया तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते, आगे जाकर आपका कम्युनिकेशन डिटेल आता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, देखिए आराम से भरिएगा कम्युनिकेशन डिटेल। अगर आपका जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपका जो कॉल लेटर आता है तो वो आपके पर्सनल जो है एड्रेस पर आ रहा है, यानी कि आपके परमानेंट एड्रेस और जो कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों पर आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों है, दोनों सेम है, तो सेम करिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कैसे डाल सकते हैं, आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी और लोकेलिटी, ठीक है, ये डाल सकते हैं। इसके बाद कंट्री नेम डालना होगा आपको, स्टेट आप किस स्टेट में रहते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है, सिटी क्या है, या तहसील क्या है, आपको वो यहाँ पर देखी जाएगी, ठीक है। उसके बाद विलेज एंड टाउन यहाँ पर आ जाएगा, विलेज एंड टाउन सेलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस क्या है, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के बाद यहाँ पर आएगा आपका आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना होगा, 12 नंबर का जो आएगा वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर आपको डालना है नहीं डालना, ठीक है। और आपके जो पिन कोड नंबर है वो क्या है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। और यहाँ पर देखिए एक चीज़, चेक योर कम्युनिकेशन एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर है आपका परमानेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो टिक कर दीजिएगा, जैसे कि आपको दो दो बार जो है एड्रेस नहीं भरना, अगर अलग है तो आपको एड्रेस प्रेजेंट वाला भी अलग भरना होगा, ठीक है। ओके, जैसे कि नहीं है तो हमने नो कर दिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, जो सेम सेम है वो सेम सेम यहाँ पर नीचे प्रेजेंट एड्रेस में सेम हमारा कॉपी हो गया, ठीक है। उसका सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का जो है ऑप्शन,
ऑप्शन आ जाएगा। तो अपने इसमें देखिए आप जो है पासपोर्ट साइज अपना फोटो यहाँ पर कर सकते हैं जो कि 10 से 50 KB का होगा, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर आप जो है कर सकते हैं यहाँ से 10 से 50 होगा। देखिए ये अपलोड इमेज एज पर द गाइडलाइंस जो है आपको वहाँ पर जो है दिख जाएगा, नोट पर क्लिक करेंगे तो नोट पर भी वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। उसका नीचे जो देखेंगे तो आपका फोटोग्राफ के साथ साथ ये देखिए कैंडिडेट के पेरेंट्स के सिग्नेचर भी आपसे मांगे तो पेरेंट के सिग्नेचर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, जो कि 10 से 50 KB तक की साइज आपकी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है थंब इम्प्रेशन भी लगाना होगा, ठीक है। थंब इम्प्रेशन जो लगाना होगा वो आपको यहाँ पर लगाना होगा, इंपॉर्टेंट है ये। सैंपल यहाँ पर दिया है तो ऐसे मान लीजिए आपका स्टाम्प है तो उस पर स्टाम्प जो स्टाम्प है उस पर किसी पे से भी कर कर आपको जो है आपका थंब इम्प्रेशन करना, उसकी फ़ोटो खींच कर यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। और साइज 10 से 50 KB का होना चाहिए। इसके बाद आपको डिक्लेयर बाय कैंडिडेट यहाँ पर कर देना है टिक, जिसका डेट यहाँ पर सबमिट होकर आएगी ऑलरेडी, और कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं तो वे यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस आपको भर देना है। और बाकी जो है प्रीव्यू करने के लिए आप ऊपर जाकर देखेंगे तो प्रीव्यू करने के लिए प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो आपके डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आफ्टर फिलिंग दिस स्टेप क्लिक ऑन होम बटन, देखिए आपको यहाँ पर करना होगा सेव, उसके बाद यहाँ पर होम बटन पर जाना होगा, ठीक है, होम बटन पे आना होगा टू मूव फॉर नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पर जाना होगा। जैसे हम गए होम पर, देखिए यहाँ पर होम पे जाएंगे, होम पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए से जो है सिलेक्ट सिटी आएगा, ठीक है। अभी तक हमने जो है एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट नहीं किया तो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप 5 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पर 5 एग्जाम सेंटर आ जाएंगे और आपके आसपास के 5 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने कहा पटना, गया, वाराणसी, इलाहाबाद, जो भी आपको करना है वहाँ पर 5 आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर प्रेफरेंस फॉर फेज़ 2, देखिए अगर आपका फेज़ 1 निकल जाता है तो फेज़ 2 के लिए आप जाएंगे और जब फेज़ 2 के लिए जाएंगे फ्रेंड्स तो आपको वहाँ पर भी आपको जो है सेंटर सेलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 3 कर सकते हैं आप, यहाँ पर 3 करेंगे तो तीनों यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ओके। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आ गए और सेव एंड सेव सेंटर प्रेफरेंस करेंगे तो सेव हो जाएगा ये, ओके। सेव होने के बाद आपको यहाँ पर होम बटन पे जाना है, क्योंकि ये डायरेक्टली ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पर होम बटन पे जाना है, ठीक है। होम बटन पे जाने के बाद आपका सिलेक्ट सिटी भी ग्रीन हो गया। मेक पेमेंट करना है, मेक पेमेंट आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेक पेमेंट करने के लिए कोई आप क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, आपका पूरा एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाई मी इन दिस फॉर्म इज़ ट्रू टू मी टू टू माई नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करिएगा और कंटिन्यू टू पेमेंट करिएगा, आपका जो है गेटवे खुल जाएगा। गेटवे जो है आप जो है क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, मास्टर कार्ड से, जिससे भी देना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से हो जाएगा या आप UPI ID से देना चाहते हैं उससे कर दीजिएगा। और पे करेंगे तो एन आपका पे हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है प्रिंट एंड प्रीव्यू पर। प्रिंट एंड प्रीव्यू पर करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको आप प्रिंट एंड प्रीव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने वन बाय वन बताई। और फ्रेंड्स इसके जस्ट बाद में आपको बताऊंगा कि आपको एयरफोर्स में जो है एक्स और बाय ग्रुप में जो है आपको कौन सी बुक पढ़नी है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस रहेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद में अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और भी स्टडी रिलेटेड वीडियो है तो फ्रेंड्स आप ऑनलाइन फ्री स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका बेल के आइकन को जोड़ दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।